हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस डेटा एनालिटिक्स कोर्स में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं डेटा एनालिटिक्स विद प्यूबर टेबल। तो डेटा एनालिटिक्स की स्पेशल क्लासेस है जिसमें हमने प्रीवियस चैप्टर में बात की थी आपके साथ फॉर्मेटिंग्स के बारे में। हम फॉर्मेटिंग्स के बाद बात करते हैं प्यूबर टेबल की एनालिसिस के बारे में। ये ऑनलाइन लाइव क्लास है और मिस्टर सतीश पांडा के कनेक्ट हो रहे हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सर? बढ़िया सर। तो आज की हमारी इस क्लास में हम बात कर रहे हैं आपके साथ डेटा एनालिटिक्स विद पिवट टेबल। तो पिवट टेबल के बारे में हम जो आगे बढ़ेंगे उससे बेटर है कि हम पहले पिवट टेबल के बारे में बेसिक कंसेप्ट के बारे में जान जाए, क्योंकि डेटा एनालिटिक्स में आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले जानिए कि पिवट टेबल का काम होता है डेटा को समराइज करना, एनालाइज करना एंड रिप्रेजेंट करना। तो डेटा को अपने हिसाब से जो चाहिए आपको उसी चीज को हम लोग शो कर सके, इसके लिए हम पिवट टेबल इस्तेमाल करते हैं क्विकली एनालिसिस के लिए। जैसे मान लीजिए कि मुझे चेक करना है कि किस पर्सन ने किस सिटी के किस एरिया में किस किस कोर्स की क्या फ्रीक्वेंसी सेल हुई है। ठीक है, तो ठीक हम है। इसको यहाँ पे आते हैं। उसके बाद मान लीजिए मैंने नेम यहाँ पे दिया, हमने सिटी इसके नीचे रख दी, हमने एरिया इसके नीचे रख दिया, कोर्स को रख दिया कॉलन में, और हमने फिर जो टोटल अमाउंट है या टोटल क्वांटिटी है उसको रख देते हैं यहाँ पे, राइट। लेकिन ये रिपोर्ट उतना अट्रैक्टिव नहीं दिख रहा है। तो हम एक काम कर सकते हैं कि हम सिटी को फिल्टर में रख सकते हैं। दिख रहा है, सिटी को हमने फिल्टर में रख दिया ताकि हम यहाँ से एक एक सिटी को देख सके। अब यहाँ पे दो चीजें होते हैं कि आपको सिटी आपका ऑप्शनल है, मैं चाहूँ तो देखूँ, या ये आपका कंफर्म है कि नहीं सिटी देखना ही चाहिए। अगर कंफर्म है कि सिटी देखना चाहिए देन सिटी को आपको रो में रखना होगा। हालांकि आप कॉलम में भी रख सकते हैं, लेकिन कॉलम में रखने से डेटा नेविगेट करने में प्रॉब्लम होगी। सो सिटी जो है आपका कॉलम में रो में बेस्ट रहेगा। ठीक है, दूसरा अब प्रॉब्लम आती है कि आपको पिवट जो रिपोर्ट पिवट टेबल पे ही भेजनी है, लेकिन कई केसेस में मैं पिवट टेबल पे नहीं भेजनी पड़ती है। तो उस केस में क्या होगा कि हमें पिवट टेबल के डिजाइन में जाके यहां से हम शो टेबुलर फॉर्म पे क्लिक करेंगे ताकि दोनों अलग अलग कॉलम में आ जाए। उसके बाद देखिए ये आपका कोलेस और एक्सपेंड का ऑप्शन है, जहाँ पे आपके अगर मान लीजिए कि रो में बहुत ज्यादा हुआ और आपको ऐसा दिख रहा है कि रिपोर्ट बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, समझना मुश्किल है, तो आप जो है यहाँ पे जाके यहाँ से कोलेप्स और एक्सपेंड कर सकते हैं। जैसे कोलेप्स कर दिया तो भी हमारा नेम बाई सेल है, बट किसी को अगर नेम के अंदर की सिटी देखना हो तो इजिली उसको एक्सपेंड करके देख सकता है। ओके, ओके लेकिन बहुत सारे लोगों की इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। दूसरा अब यहाँ पे देख रहे टोटल दिख रहा है, हर हर पर्सन का टोटल दिख रहा है। अब कभी इसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है, कभी इसकी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। अगर रिक्वायरमेंट पड़ी आपको कि टोटल शो करना है तो थोड़ा सा ये जो है ना गजपच हो जाता है, मतलब खिचड़ी टाइप का लगने लगता है। तो उस केस में डिजाइन के अंदर जाइए और ब्लैंक रो में इंसर्ट ब्लैंक लाइन आफ्टर इच आइटम पे क्लिक कीजिएगा। तो क्या होगा कि हर सिटी के पास एक ब्लैंक रो इंसर्ट हो जाएगा, समझे? ओके उससे थोड़ा सा बेटर दिखेगा आपको। आप यहाँ पे इसकी फॉर्मेटिंग भी अच्छे से कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है सर, बेटर दिख रहा है ना? लेकिन कई कई केसेस में हमें टोटल नहीं चाहिए होता है, ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता होगा।
तो हम सबसे पहले यहाँ रिमूव कर देते हैं और यहाँ से हम कर देते हैं यहाँ पे सॉरी यहाँ पर राइट क्लिक करके हम लोग कर देते हैं सब टोटल नेम। सब टोटल नेम कर दिया तो ये आपका हटा दिया मैंने तो ये हट गया। तो ये आपस वापस यहाँ से आप ला सकते हैं और वापस यहाँ से हटा सकते हैं, ठीक है? क्लियर है? अब इसमें कभी कभी केसेस में क्या होता है कि अभी तो गैप मान लीजिए कम है, लेकिन कभी भी केसेस में गैप बहुत ज्यादा होता है, मतलब कि एक ही पर्सन के बहुत सारे नाम होते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम हो जाती है कि भाई किसका क्या नाम है देखने में। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि इसको यहाँ पे रिपीट ऑल आइटम लेबल करते हैं तो ये आपका आइटम रिपीट हो जाता है, हो गया। और कुछ लोग रिपीट नहीं करते हैं तो डू नॉट रिपीट करके कुछ लोग क्या करते हैं मर्ज कर देते हैं। तो जनरली आप जाके इसको मर्ज नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे यहाँ पे मर्ज करेंगे आपको एरर देगा। तो मर्ज करने के लिए आपको क्या करना होगा, इस पे राइट क्लिक पिवट टेबल ऑप्शंस और इसके अंदर में आपको मर्ज एंड सेंटर करके दिख रहा होगा, इस पे क्लिक कीजिए एंड ओके कीजिए। ओके अब मर्ज हो गया। अब जो ये प्लस माइनस का निशान बन के आ रहा है मुझे ये भी नहीं चाहिए, तो पिवट टेबल की एनालाइज में ही सबसे पहले ही दिख रहा होगा प्लस माइनस बटन दिख रहा है, इसको अनचेक कर दीजिए, ये गायब हो जाएगा आपका, राइट। अब इसकी जो फॉर्मेटिंग है आप नॉर्मल रिपोर्ट की फॉर्मेटिंग करते हैं उस तरह से नॉर्मल फॉर्मेटिंग इसको कर सकते हैं, लेकिन जो फिल्टर आपने देखे है ना, फिल्टर आपको लग रहा है कि फिल्टर थोड़ा सा ऑड हो रहा है, तो इसके जगह पे आप स्लाइसर भी इंसर्ट कर सकते हो। पिवट टेबल के अंदर में जाइएगा तो स्लाइसर होता है, स्लाइसर में मान लीजिए मैंने ले लिया एरिया, ओके कर दिया, तो इस तरह का डिजिटल आ जाता है जहां पे आप आसानी से क्लिक करके कर सकते हो। इसको मैंने क्या किया कि छोटा करता हूँ और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ यहाँ पे, और उसके बाद इसकी हमें कई सारे कॉलम कर देते हैं, पांच ही सीखे ना, ओके जी सर। इसको हमने सेट कर दिया। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे ईस्ट पे क्लिक करूंगा तो ईस्ट का डेटा आएगा, नॉर्थ करूंगा तो नॉर्थ का आएगा, साउथ का करूंगा तो साउथ का आएगा, तो ये पहले से आपको बेटर दिखेगा, राइट सर? यस सर। फिर उसमें फिर ये ऊपर फिल्टर की जरूरत भी नहीं होगी ना, नहीं स्लाइसर नहीं, स्लाइसर लगाने के बाद फिल्टर की जरूरत नहीं, बट प्रॉब्लम ये है कि स्लाइसर सिर्फ वर्क करता है आपको दो तरीकों से, सिर्फ जो आपका वर्क करता है वो करता है डेस्कटॉप वर्जन, वो भी 2013 ऑनवर्ड। अब इसी को अगर आप इंटरनेट पे खोलेंगे तो मुझे लगता है स्लाइसर आपको वहां पे दिखेगा, जैसे गूगल सीट पे खोल लिया आपने या एक्सेल के पे वर्जन पे खोल लिया आपने या मोबाइल एंड्रॉयड में खोल लिया आपको, तो वहां पे स्लाइसर्स अपीयर नहीं होंगे, लेकिन ये जो फिल्टर है वो अपीयर होगा। अच्छा ओके समझ गए, इसलिए जो है हमने आपको बोला। ओके सर। ओके अब इसमें आगे बढ़ते हैं, तो इस तरह से डेटा की समराइजेशन हम लोग आसानी से करते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, राइट सर। अब लेकिन इसमें फिर भी कभी कभी हमें जरूरत पड़ती है, जैसे कि यहाँ बीच बीच में आप देख रहे हैं कि ब्लैंक है ना, ब्लैंक क्यों है, क्योंकि इसके अंदर डेटा अवेलेबल नहीं था इसलिए ब्लैंक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि राइट क्लिक करके पिवट टेबल ऑप्शन पे जाके और यहाँ पे जीरो कर देते हैं, मतलब यहाँ पे दिख रहा होगा फोर एम्प्टी सेल शो जीरो, जीरो करके ओके करेंगे तो ये आपको सब जगह पे जीरो आ जाता है। दूसरा अब यहाँ पे दिक्कत आती है, जैसे यहाँ पे देखिए ऊपर पूजा है और नीचे यहाँ पे पूजा के शर्मा है, पूजा शर्मा है, पूजा सेन, अब गलती से इतना नाम टाइप हो गया बट सब पूजा ही है, इकट्ठा एक ही है, समझे। अब जैसे मान लीजिए कहीं पे न्यू दिल्ली लिखा हुआ है, कहीं पे दिल्ली लिखा हुआ है, कहीं पे एनडीएल लिखा हुआ है, या नोएडा है या जीजीएन है, सब तो एक ही दिल्ली एनसीआर में आता है। तो आप क्या करेंगे कि सिलेक्ट करेंगे, इसमें तीन यहाँ तीन को सिलेक्ट कर लिया और ऊपर में हम पूजा को सिलेक्ट कर लेते हैं, कर लिए सिलेक्ट,
उसके बाद राइट क्लिक करके जब मैं इसको ग्रुप कर दूंगा तो देखिए यहाँ पे ग्रुप वन आ गया, और ग्रुप वन में यहाँ पे सारा पूजा का टोटल आ गया। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि फिर यहाँ भी बाकी पूजा, यहाँ भी दो दो कॉलम बन गए, नेम टू और नेम दो दो कॉलम बन गए। तो आप क्या करें, पिवट टेबल के इस पे फिल लिस्ट पे जाके जो नेम पहले डाला था आपने ना, उसको यहाँ से रिमूव कर दीजिए, नेम टू को रहने दीजिए, और टोटल आ गया फिर से वापस। तो राइट क्लिक करके आप यहाँ से सब टोटल को रिमूव कर दीजिए, और यहाँ ग्रुप के जगह पे लिख दीजिए पूजा ऑल, या जो भी लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। हाँ अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि आपके अंदर जो रो एंड कॉलन में डेटा आपने रखा हुआ है, इस समय टोटल हो गया, नेम हो गए, सिटी हो गया, यहाँ पे ऊपर कॉलर में डली हुई आपकी कोर्सेज हो गई, इन सबको आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। जैसे BI को मैं पावर BI लिखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे पावर BI लिख सकता हूँ, राइट, जी सर, ओके चेंज कर सकता हूँ। चेंज किसको नहीं कर सकते हैं, तो चेंज नहीं कर सकते हैं अपने डेटा को। अगर डेटा को हम चेंज करने जाएं तो बोलेगा वी कांट चेंज दिस पार्ट ऑफ द पिवट टेबल, ना हम चेंज कर सकते हैं ना कोई पर्टिकुलर डेटा को डिलीट कर सकते हैं। डिलीट होगा भी तो ओवरऑल आपका डेटा डिलीट होगा। क्लियर है, नहीं। कोई डाउट इसमें? उसके बाद अब इसकी पिवट टेबल की एक बार ऑप्शंस पे जाकर देख लेते हैं क्या क्या है। जब राइट क्लिक करके पिवट टेबल का ऑप्शन पे जाते हैं तो सबसे पहले आपका मर्ज है, अभी हम कहाँ पे है, लेआउट एंड फॉर्मेट्स में, ये आपका मर्ज हो गया, ये आपका डिस्प्ले डाउन ओवर, ये सब चेंज करने की जरूरत नहीं है, सिंपल होता है। ये होता है रिपोर्ट फिल्टर फील्ड इन ऊपर कॉलम 0 है, तो इसको भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपका दिखता है एरर, एरर मान लीजिए कभी कभी पिवट के अंदर में एरर शो कर देता है, तो उस एरर के जगह पे क्या लिखना चाहिए, 0 शो कर दिया, जीरो के जगह पे क्या लिखना चाहिए, यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। ऑटो फिट कॉलम विड्थ ऑन अपडेट, जिसे राइट क्लिक करके रिफ्रेश करेंगे, तो रिफ्रेश क्यों करेंगे, जब आपके डेटा के अंदर किसी तरह का चेंजिंग होगा तो पिवट में तभी अपडेट हो पाएगा जब आप राइट क्लिक करके रिफ्रेश करेंगे। जैसे रिफ्रेश करेंगे आपका कॉलम ऑटो फिट हो जाएगा, मतलब कि डबल क्लिक ऑटो फिट करते हैं ना, वो हो जाएगा। यहाँ से क्लिक कर दिए तो आपका नहीं होगा। दूसरा आता है प्रिजर्व फॉर्मेटिंग व्हेन अपडेट, जैसे आपने कोई फॉर्मेटिंग किया, कोई चेंजिंग किया, तो रिफ्रेश करने पे आपका हटेगा नहीं, लेकिन आपने इसको यहाँ से अनचेक कर दिया तो कोई भी फॉर्मेटिंग आप करेंगे, जैसे आप रिफ्रेश करेंगे आपकी फॉर्मेटिंग रिमूव हो जाएगी। ओके, टोटल एंड फिल्टर्स में है कि अगर मैं इसको अनचेक कर दिया तो जो ये ग्रांड टोटल अब कॉलम टोटल दिखता है और टोटल नहीं दिखेगा। डिस्प्ले में बाकी नॉर्मल है, क्लासिकल पिवट टेबल करेंगे तो ये आपका जो हमने शुरुआत बताया था डिजाइन में जाके हम टेबलर फॉर्म लिया था उसी में आपका आएगा। यहाँ पे प्रिंटिंग की बात करें तो प्रिंटिंग में आपका रिपीट रो एंड कॉलम इज प्रिंटेड पेज, मतलब कि जो आपका ऊपर का हेडिंग है ना, वीवी है, एक्सेस वगैरह, वो आपका हर पेज पे प्रिंट आएगा। प्रिंट का टाइटल सेट करना चाहते हैं तो प्रिंट का टाइटल, मतलब कि ऊपर जो टाइटल है इसका, वो सेट हो जाएगा। ये प्रिंट एक्सपेंड जो वो भी दिख रहा था, बटन दिख रहा था, वो भी प्रिंट में आएगा। उसके बाद यहाँ अगर हम बात करें डेटा में, तो ये आपका फाइल के साथ का डेटा सेव हो रहा है। अनेबल शो डिटेल, मतलब किसी भी सेल पे मैं डबल क्लिक करूंगा तो एक नई शीट में उसका डेटा मुझे दिख जाएगा। रिफ्रेश व्हेन द ओपनिंग फाइल, जब भी ओपन करेंगे ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाएगा। तो ए पिवट टेबल के ऑप्शन से छोटे मोटे पार्ट है, तो मैं चाहूंगा तीज जी कि आप अपने एंड से बैठ के आराम से पिवट टेबल की प्रैक्टिस कर ले। अभी जस्ट मैंने आपको ओवरव्यू दिया है, नेक्स्ट क्लासेस में पिवट टेबल को डिटेल में हम पढ़ाएंगे, उसके बाद फिर हम पिवट टेबल के कुछ रिपोर्ट्स आपको बना के दिखाएंगे। और मेरे मोबाइल ऐप जो आप यूज कर रहे हैं उसके अंदर जो पिवट टेबल की क्वेश्चन टॉपिक्स है उसको आप आसानी से देखिए, वहां पे आपको आ जाएगा। ओके ठीक है सर।